गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। हम लोग आज क्लास सिक्स में मैथ्स करने जा रहे हैं। एक मैथ्स क्लास हम लोगों का, आई थिंक होमवर्क आपको ऑनेस्टली कंप्लीट कर रहे हैं अपना। कल हम लोग रोमन नंबर के बारे में कुछ पढ़े थे, आप लोगों को वीडियो मिला होगा, देखे होंगे, ठीक है। आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेसन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों। कि फैक्टर क्या होता है तो फैक्टर होता है हमारा, फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, क्लियर। फैक्टर क्या होता है हमारा, फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, सपोज एग्जाम्पल में हमने लिया 12, तो फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 and 12, यानी इसमें से जो भी डिजिट हमारा आ रहा है इस सभी से हमारा 12 एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। दैट मींस अगर इन सभी चीज से हम डिवाइड करें 12 को तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, क्लियर। जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, फैक्टर ऑफ सपोज कर देते हैं 30 ले लिए, देन 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30, इसमें जो भी डिजिट हमारा आया 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, इस सभी से हमारा ये 30 एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्लियर। अब समझ गए कि फैक्टर क्या होता है बच्चे, यानी फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। जो भी फैक्टर है आया है हमारा, इससे ये जो नंबर हमारा है एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा डिवाइड करें 0 हो जाएगा, क्लियर। इस सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए बच्चों, ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टीपल, हम लोग देखते हैं ठीक। नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल देख रहे हैं। मल्टीपल हमारा क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर जब उसका एग्जैक्ट डिवाइजर हमारा फैक्टर का होगा, ठीक है। यानी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द फैक्टर ऑफ द नंबर, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट हम हमारा मल्टीपल ऑफ 12 लिखना है, हमें मल्टीपल ऑफ 12 यानी अब लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60 and so on आगे आते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ये जो भी इधर डिजिट आया है ये 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, क्लियर।
यानी 12 से जिसको डिवाइड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो वाला ही आना है। ठीक है बच्चों, क्लियर? सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए आप लोग। ठीक, ये हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा मल्टीपल हो गया। दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे हमको लिखना है मल्टीपल ऑफ, सपोज कर लेते हैं हम 30 ले रहे हैं, बस किसी को जो फैक्टर है उस डिजिट को हम लेकर देख रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 30 यानी 30, 60, 90, 120, 150, 180 and so on आगे हमारा पता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इसमें से जो भी इधर हमारा नंबर आया है सभी को 30 से डिवाइड करें ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए बच्चे। ठीक, आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तो इसमें कुछ नंबर हम देख लेते हैं, इवेन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए और जो भी होमवर्क मिलती है यहां से सभी को कंप्लीट करते जाइए। आप लोग जब फिर हम लोग मिलेंगे उसकी करेक्शन होगी। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो देख रहे हैं पहला इवेन नंबर हमारा क्या होता है। इवेन नंबर, तो इवेन नंबर हो गया हमारा द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू, जो टू से पूरी तरह से डिविजिबल हो वह ये हमारा इवेंट नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on। ठीक है, ये हमारा इवेन नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, दूसरा हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिविजिबल नहीं है। ठीक, इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। एज द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिविजिबल नहीं है वो हमारा ऑड नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and so on। क्लियर, ये सभी हमारा क्या है बच्चों, ऑड नंबर हो गया हमारा। ठीक है, सभी को राइट डाउन करते जाइए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में क्या होता है तीसरा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वन नंबर होता है जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, यानी द नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। क्लियर, दैट इज, इसको दैट इज पढ़ते हैं वन एंड इट्स। ठीक है, इज कॉल्ड
प्राइम नंबर है जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, या तो वन हो या एक से अपने आप से, दूसरा किसी भी डिजिट से वो डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 43, 47 है सो ऑन। ये आपका 50 तक का आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ये सभी हमारा क्या है बच्चों? प्राइम नंबर हो गया। ठीक, सभी को कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर आते हैं। ठीक है, सभी को कॉपी में राइट डाउन करते जाइए बच्चों। क्लियर? जो भी स्कूल से होमवर्क मिलती है उसको भी कंप्लीट करते चलिए अपना। ठीक, पढ़ाई हम लोग आगे जारी है। जो भी प्रॉब्लम होता है वो स्कूल से जो टाइम दिया गया है आपको पूछने के लिए क्वेश्चन, उस ड्यूरेशन में आप पूछे, आपको नेक्स्ट डे जवाब दिया जाएगा। यहाँ से जो भी समस्या हो समझने में या किसी चीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर विच मोर देन टू फ्रैक्चर, जिसका दो से ज्यादा फ्रैक्चर हो, वो हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। यानी द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। क्लियर? आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर हमारा हो गया। ये कंपोजिट नंबर। क्लियर? यानी एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, और इस तरह से आगे भी। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बच्चों का है हमारा 4 है। यानी 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा हमारा 4 है। अब थोड़ा सा इस तरह एक चीज और देख लेते हैं नोट में कि 1 जो है वो हमारा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी 1 हमारा है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। हम देखे होंगे कि एग्जांपल में हम ना प्राइम नंबर में 1 को लिखे है ना ही कंपोजिट नंबर में हमारा 1 है। क्लियर? इसके बाद इसको हम एक मान लिए, दूसरा मान सकते हैं कि 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी 4 हमारा है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। क्लियर बच्चों? इन सभी चीजों को राइट डाउन करते जाइए तो कॉपी में। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कंपोजिट नंबर, देख लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑल प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्लियर? यानी टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑल प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 3, 5, ये दोनों हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। क्लियर? दूसरा देख सकते हैं हम 5, 7। क्लियर? नेक्स्ट हम देख सकते हैं 11, 13। क्लियर बच्चों? अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं 17, 19 पीटीसी। ये हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। ठीक, आप लोग इसको आगे बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सवाल की ओर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीजों डिफाइन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, तो आइए सभी चीजों को राइट डाउन करते जाइए कॉपी में। क्लियर बच्चों? सभी जितने भी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं सभी को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, और आगे हम लोग उतना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन राइट ऑल फैक्टर ऑफ, सपोज कर देते हैं हम 42 लिख दिया गया। राइट ऑल फैक्टर ऑफ 42, यानी 42 को सारा फैक्टर को लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे? हम सीधे लिखेंगे फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 42 इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि 42 किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल एज। क्लियर है? 1 सभी का फैक्टर हो गया। अब 42 चूंकि तुम्हारा इवेंट नंबर है तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया। अब इसको देखेंगे हम आगे नेक्स्ट के 42 3 से आया नहीं है तो 3 से भी हो जाता है हमारा, यानी 3 भी हो गया। क्लियर? 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से फिर हमारा हो जा रहा है 42, 7 से भी हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका 40 है, 43 जा होता है। इसके बाद 21 2 जा और 42 42। क्लियर बच्चों? यानी ये हमारा फैक्टर हो गया। हमको ये देखना है किसके किसके टेबल में 42 आता है। ठीक, जैसे दूसरा ले सकते हैं हम, जैसे राइट द फैक्टर ऑफ, सपोज कोई दूसरा लेट ले लिए हम, जैसे लिख रहे हैं हम 56 ले रहे हैं, 56 का लिखना है। फिर कैसे लिखेंगे? तो फैक्टर ऑफ 56 इक्वल टू 1, अलग का जो 1 सही का फैक्टर है, 56 क्योंकि हमारा ये नंबर है तो 2 हो गया, 4 से ये जा रहा है ना, 4 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे 56 डिविजिबल है
तो हमारा सी वन टू फोर हो गया। इसके बाद एट से सेवन से होगा, ठीक है। नेक्स्ट एट से हमारा हो जाएगा सेवन एट या 56 हो गया, ठीक। अब आगे देखेंगे कितना होता है हमारा, तो 14 फोर जा हो गया। नेक्स्ट 28 टू जा हो गया और लास्ट में हमारा 56 वन जा हो गया, ठीक है। ये सभी हमारा फैक्टर ऑफ 56 हो गया। ये बच्चों आई थिंक फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मल्टीपल हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ किसी भी डिजिट का कैसे निकालेंगे, ठीक। अभी मल्टीपल का हमने डिफाइन आपको बताया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ किसी भी डिजिट का कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी हो गया हमारा क्वेश्चन एक आ गया, जैसे थ्री नंबर एग्जांपल हमारा हो गया कि राइट ऑल फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सपोज कर सकते हैं हम 15 क्या है हमारा, ठीक है। फर्स्ट फाइव यानी पहला पांच मल्टीपल लिखेंगी तो आपको लिखना होगा फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 15 इज इक्वल टू, बस टेबल इसका लिख लीजिए 15 वन का 15, 15 टू सा 30, 15 थ्री सा 45, 54 सा 60, 55 सा 75, बस हो गया। पास हो गया हमारा 1 2 3 4 5 फाइव लिखना है बच्चों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, राइट फाइव फैक्टर ऑफ सपोज करते हैं 90 आ गया, 90 मल्टीपल फैक्टर नहीं मल्टीपल, राइट फाइव मल्टीपल ठीक है, फाइव मल्टीपल ऑफ 90 तो मल्टीपल ऑफ 19 इज इक्वल टू 91 या 98 टू जा 38 57 95 बस ये हमारा फाइव मल्टीपल हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब फिर हम लोग एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर आते हैं, ठीक। तो एसडब्ल्यू में आप लोग एक्सरसाइज 2A बनाएंगे, ठीक ना। ये आपका एसडब्ल्यू सेक्शन है, ओके। हम समस्या इसकी बनाएंगे ईमानदारी से, जो भी प्रॉब्लम होगा जो समय दिया गया है स्कूल की ओर से उस पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बाय।